बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें एडसेंस के अल्टरनेटिव एक वेबसाइट बताओ जहां पर इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है। मेरा नाम है राज वल्तारा, आप हो वल्तारा एक्सप्लेनर चैनल के ऊपर। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। सो गाइस आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जानने वाले हैं और वहां पर अप्लाई करने वाले हैं जहां पर आप ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करते हो या वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करते हो, आपका जो यूआरएल है वो blogspot.com है, तो भी आपको यहां पर इंस्टेंट अप्रूवल मिल सकता है। तो मैं इस वेबसाइट के बारे में सबसे पहले आपको ठीक से समझा दूं। ठीक है, तो गाइस इस वेबसाइट का नाम है bulletprofit.com। उसके बाद में यहां पर अगर मैं नीचे आता हूं तो यहां पर इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये एक एडवर्टाइजर नेटवर्क है। ठीक है, यहां पर हमें अपने वेबसाइट के ऊपर मोनेटाइज का ऑप्शन भी दिया गया है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। ओके, तो ये जो पेज है ये हमारे काम का पेज है। ठीक है, यहां पर ब्लॉगर के जितने भी वेबसाइट है इन्हें इंस्टेंट अप्रूवल मिल सकता है। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे। आप एडसेंस को बार बार अप्लाई करते हो पर वहां पर आपको अप्रूवल नहीं मिलता, पर यहां पर 100% आपको अप्रूवल मिलने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में आप इस वेबसाइट के ऊपर आके पढ़ सकते हो। ओके, सो गाइस यहां पर आप टाइटल देख सकते हो, इनका जो टाइटल है। ठीक है, अगर आपके ब्लॉग चैनल के ऊपर ट्राफिक है तो आप यहां पर 100% अर्न कर सकते हो। ओके, सो गाइस हम अब यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले मोनेटाइज ट्रैफिक बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको यहां पर सबसे पहले अपना नेम ऐड करना है, उसके बाद में लास्ट नेम ऐड करना है, फिर यहां पर एड्रेस ऐड करना है। ओके, फिर यहां पर अपना फोन नंबर ऐड करना है, तो मैं मेरा फोन नंबर यहां पर ऐड करता हूं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इस नंबर से आप मुझसे बात कर सकते हो। उसके बाद में यहां पर मेरी स्ट्रीट, फिर कंट्री, फिर यहां पर पिन कोड। ओके, उसके बाद में सिंपली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर यहां पर क्लिक करेंगे। ओके, सो गाइज यहां पर हमें यूजर नेम ऐड करना है, तो मैं मेरा यूजर नेम यहां पर ऐड कर देता हूं। ओके, उसके बाद में यहां पर आपको एक जीमेल आईडी ऐड करनी है, फिर एक पासवर्ड यहां पर आपको क्रिएट करना है। ठीक है, ध्यान रहे आपका रियल पासवर्ड आपको नहीं देना है, यहां पर एक पासवर्ड न्यू क्रिएट करना है, तो मैं मेरे पासवर्ड यहां पर डाल देता हूं। उसके बाद में यहां पर गाइस आप सेकेंड पासवर्ड भी क्रिएट करो। उसके बाद में गाइस यहां पर आप देख सकते हो अकाउंट टाइप। ठीक है, अकाउंट टाइप मीन्स आप एडवर्टाइजर हो या पब्लिशर हो, तो हम सिंपली यहां पर पब्लिशर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हमारा एक सोशल प्लेटफॉर्म ऐड करना है, तो मैं यहां पर व्हाट्सएप रख देता हूं और यहां पर अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं। फिर यहां पर आप नीचे आई एग्री करोगे और नीचे यहां पर रजिस्ट्रेशन जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करोगे। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हो यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, उसके बाद मैं क्लिक हेयर बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ओके, तो गाइस अब हम यहां पर लॉग इन करेंगे, तो लॉग इन बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर मेरा यूजर नेम डाल देता हूं, तो मेरा जो यूजर नेम है वो मैं यहां पर डालता हूं। उसके बाद में मेरा पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया है वो यहां पर मैं डाल देता हूं। उसके बाद मैं सिंपली लॉगिन बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो माय अकाउंट का ऑप्शन है। ओके, इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो आप यहां पर देख सकते हो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी शो हो जाएगी। सो गाइस आप यहां से कस्टमाइज भी कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपने प्रोफाइल को। अब गाइस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पब्लिशर होम के ऊपर क्लिक करना है, पब्लिशर होम के ऊपर आ जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इम्प्रेशन का एक ऑप्शन है, उसके बाद में क्लिक का ऑप्शन है, उसके बाद में
कन्वर्जन का ऑप्शन है और यहाँ पर अर्निंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये जो ऐड है वो कैसे काम करते हैं तो इसके बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ऐड टाइप्स यहाँ पर दिए हैं, उसके बाद में बिड टाइप्स दिए हैं और अर्निंग बाय लोकेशन दिया है, ये सब ऑप्शंस है। तो ये हमारा स्टेटस, पूरा का पूरा स्टेटस डैशबोर्ड है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट जो है उसे यहाँ पर ऐड करेंगे। तो वो कैसे ऐड करते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ऐड साइट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपके साइट का यूआरएल आपको ऐड करना है। तो मैं मेरा साइट जो है, मेरी जो वेबसाइट है valtaramarkets.in, वो यहाँ पर मैंने ऐड की है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, सो गाइज मैंने यहाँ पर सबमिट कर दी। अब मुझे मेरे साइट का नेम यहाँ पर डालना है, तो वो है वल्तारा मार्केट्स। ओके, उसके बाद मैं मेरी साइट की कैटेगरीज में चॉइस करूँगा। सो गाइज मेरी जो साइट है वो टेक्निकल रिलेटेड है, पर मैं यहाँ पर मार्केटिंग सेलेक्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद में गाइज यहाँ पर साइट कीवर्ड, मतलब आपकी जो साइट के जो कीवर्ड है वो क्या है, तो मैं सिंपली यहाँ पर डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ओके, ये जैसे एक बेसिक मैंने कीवर्ड ऐड किया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड ऐड कर सकते हो। ओके ओके, अब गाइज यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो साइट का एक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन है साइट का वो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। सो गाइज मेरे साइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, तो अब मैं ये सब जितना भी दिखा रहा हूँ, मैं सब एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो वल्तारा मार्केट्स, ठीक है, ये मेरा साइट नेम है। स्टेटस अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है, और मेरी जो कैटेगरी है वो मार्केटिंग की है। अब यहाँ पर गाइज वेरीफाई नाउ का बटन आ चुका है। ओके, तो आपको सिंपली करना ये है कि वेरीफाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा साइट यूआरएल है। ओके, अब गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो कोड है इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ से सीधा जाना है हमारे ब्लॉग के ऊपर। तो मैं जाऊँगा मेरे ब्लॉग के ऊपर और यहाँ पर मैं क्या करूँगा गाइज, मेरे ब्लॉग को ओपन करूँगा। तो मैं मेरे ब्लॉग को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको जाना है थीम के अंदर। थीम के अंदर जाने के बाद में गाइज आपको एडिट एचटीएमएल के अंदर जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर हेड का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर हेड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप कंट्रोल ऐप दबा के हेड टाइप करके सर्च कर सकते हो। हेड के नीचे आपको 3 बार एंटर देना है और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब सिंपली गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने सेव किया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पीछे आ जाऊँगा और आपको उस वेबसाइट के ऊपर वापस जाना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो ऊपर आप देख सकते हो वेरीफिकेशन सक्सेसफुली का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, मैनेज साइट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अंडर रिव्यू में आपकी ये वेबसाइट चली गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑनलाइन या एक्टिव ये मैसेज आपको शो करेगा। सो गाइस इतना मैंने आपको बहुत ही इजी प्रोसेसिंग समझा दी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ से हम विड्रॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट यहाँ पे हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम स्टेटस का वेट करेंगे, ठीक है। अब नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो पे आउट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एडसेंस जैसा पेमेंट डैशबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है $5 आप पे आउट कर सकते हो। यहाँ पर हमारी टोटल अर्निंग शो करेगी। ओके,
उसके बाद में यहाँ पर गाइस जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हुआ है वो शो करेगा, और यहाँ पे मैनेज पेमेंट, ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पर पेटीएम से आप पेमेंट ले सकते हो, यूपीआई से पेमेंट ले सकते हो, बैंक ट्रांसफर से पेमेंट ले सकते हो और बिटकॉइन से पेमेंट ले सकते हो। तो बहुत ही सुपर ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। आप यहाँ पर देख सकते हो फीस की अगर बात करें तो बहुत ना के बराबर है यहाँ पर, ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पेमेंट ऑप्शन भी बहुत ही सही है, ठीक है। तो $5 तो मेरे हिसाब से अगर 1000 का आपके पास डेली का ट्रैफिक है तो मेरे हिसाब से $10 से $15 आप आराम से कमा सकते हो। तो ये जो पेमेंट ऑप्शन मुझे सही लगा यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो रेफरल प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर मैं रेफरल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं कुछ इस तरह के एक डैशबोर्ड के ऊपर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो आप ये जो बैनर ऐड है ये अपने ब्लॉग चैनल के ऊपर लगा सकते हो, या यहाँ से जो URL है इसे कॉपी करके आप किसी को शेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। अगर इसकी जो परसेंटेज की अगर मैंने बात की तो 5% आपको रेफरल लाइफ टाइम अर्निंग मिलेगी। सो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है इस वेबसाइट ने, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अब गाइज आपको एक ही चीज़ का यहाँ पर वेट करना है, आपका जो अंडर रिव्यू का जो स्टेटस है यहाँ पर एक्टिव या ऑनलाइन का स्टेटस आना चाहिए, तब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो हमने बुलेट प्रॉफिट वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किया था और मुझे अप्रूवल मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको जीमेल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इनका एक मेल आया है मुझे, ठीक है। इस तरह का आपको एक मेल आएगा बुलेट प्रॉफिट करके, साइट एक्टिवेट, ठीक है। हमें सिंपली यहाँ पर साइट नेम दिया जाएगा, आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर मैं कट करता हूँ और हम सीधा आएंगे इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर आपको मैं ऐड कैसे हमारे वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, ये है मेरी वेबसाइट, इसके ऊपर कैसे हम ऐड लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर गाइस ऐड कोड के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट ऐड बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं सिंपली वो कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर कई तरह के ऐड मिलेंगे आपको, स्मार्ट लिंक हो गए, पॉपअप ऐड, डिस्प्ले ऐड, ठीक है। थोड़ा नीचे आऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हो, और ये जो टेक्स्ट इमेज है, ठीक है, उसके बाद में वीडियो एड्स है, ये सब कमिंग सून वाले एड्स है, तो मतलब ये आने वाले हैं, अभी तक आपको इसकी परमिशन नहीं मिली है। तो फिलहाल हम ये जो चार एड है इन्हें ऐड कर सकते हैं, पर एग्जांपल के लिए आपको मैं एक ऐड को ऐड करके दिखाऊंगा यहां पर। तो सबसे पहले मैं इस ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं। ओके, यहां पर गाइस हमें क्या करना है, एक ऐड को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर, ठीक है, आपको फिक्स ऐड रखनी है, आप यहां से फिक्स कर सकते हो इसे और अपनी साइज को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 728 ये जो ऐड है इसे मैं सेट कर लेता हूं। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर टारगेट वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे अप्रूवल मिला है valtaramarket.in, ठीक है। अब गाइस यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐड चाहिए हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। मैं क्या करूंगा यहां पर क्रिएट कोड के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, सो गाइस आप यहां पर देख सकते हो मेरे सामने एक कोड आ चुका है और जो ऐड हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। तो आप अलग अलग एंगल से इसे देख सकते हो, कुछ इस तरह से वो ऐड दिखेगी। ओके, ऊपर यहां पर पूरी डिटेल्स है ऐड की, ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हो। अब गाइस ये ऐड कोड हमें कैसे हमारे वेबसाइट के ऊपर लगाना है, कैसे ब्लॉगर के वेबसाइट के ऊपर लगाना है, सिंपली आपको इसे कॉपी करना है और आना है डैशबोर्ड के अंदर ब्लॉगर के, और यहां पर लेआउट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब गाइस यहां पर आपके थीम के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सी थीम है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, और यहां पर देखो ऐड गैजेट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जहां पर ऐड प्लेस या ऐड कोड ऐसे लिखा होगा, तो मैं यहां पर क्रिएट कर लेता हूं। और यहां पर आपको HTML JavaScript बटन के ऊपर क्लिक करना है,
और अंदर यहां पर आपको कोड पेस्ट कर देना है। सेव करूंगा मैं, ठीक है, ओके। अब गाइस यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे भी सेव करेंगे, ओके। अब हमारे वेबसाइट के ऊपर जाएंगे गाइस, और यहां पर हम क्या करेंगे, रीलोड करेंगे, ओके। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हो हमारे वेबसाइट के ऊपर एड शो होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बहुत ही अच्छी एड है, रिस्पॉन्सिव एड है, ठीक है। ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो सकती है, मोबाइल के ऊपर अगर आप इसे देखोगे तो और वो अपने आप सेट हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से आप अपने ब्लॉगर के वेबसाइट के ऊपर एड लगा सकते हो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। इस वेबसाइट के ऊपर आपको अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।